नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तूफान के बीच में फिर आ गया भूकंप, फिर भूकंप के झटकों से हिला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की धरती आज भूकंप के झटकों से हिल उठी है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई है। भूकंप का केंद्र रामबन के पास था। धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 2:03 पर आई इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3 मापी गई है, जिसका केंद्र रामबन के पास था। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते किसी तरह के जानमाल के नुकसान की संभावना नहीं है। भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते अधिकांश लोग इसे महसूस भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, मंगलवार और बुधवार को दोस्तों 5 बार जम्मू कश्मीर के अंदर भूकंप आ गया है। 5 झटके लगे हैं, जिसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में दहशत फैल गई है। डोडा और किश्तवाड़ के अंदर सभी दोस्तों शैक्षणिक संस्थानों को बंद भी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ में बुधवार सुबह 8:29 पर 3.3 की तीव्रता का भूकंप आया, जो 5 किलोमीटर की गहराई में था। इसके बाद लगातार भूकंप की घटना देखने को मिली और 24 घंटों में 5 बार भूकंप आ गया था, जिसके चलते लोगों में भी हड़कंप मच गया था। और फिर से आज भूकंप आ गया है, जिसके बाद प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ये भूकंप ऐसे समय में आया है जब उस तो उत्तर भारत के अंदर कुदरत का प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिपरजॉय चक्रवाती तूफान बेकाबू होकर चल रहा है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ने गुजरात के अंदर इतनी भयंकर तबाही मचाई है कि दोस्तों वहां पिछले लगभग 30 घंटे से बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। हजारों दोस्तों पोल उखड़ गए हैं, जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं, सैकड़ों सड़कें दोस्तों पानी के तेज बहाव में बह गई है। 940 से अधिक गांव में बिजली दोस्तों व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। चारों ओर पानी ही पानी है। और अगले दोस्तों 2.5 घंटे में दोस्तों जयपुर पहुंचने वाला है यह चक्रवाती तूफान। राजस्थान के 30 जिलों में जबरदस्त तबाही मचने वाली है। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये तूफान अपना रौद्र रूप दिखाने वाला है। वहां भी दोस्तों हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन इस समय राजस्थान के अंदर एंट्री ले चुका है यह चक्रवाती तूफान। और इसी बीच भूकंप को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकलें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।